सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम बात करने वाली है टाटा की एसयूवी के बारे में, टाटा सफारी के बारे में। सो जो टाटा हैरियर 6 और 7 सीटर आने वाली थी, वो ग्रेविटास या बजट के नाम से नहीं आने वाली है, वो आने वाली है टाटा सफारी के नाम से। सो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे कर सकते हैं शशांक सचदेवा 11 के नाम से। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो आप उसको प्रेस कर दीजिए, बिकॉज मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोज आती रहती है। सो फर्स्ट हम स्टाइल के बारे में बात करते हैं। उसके स्टाइल जो होगा वो सिमिलर होगा हैरियर से, बट उससे बड़ी होगी एंड उससे ज़्यादा ब्रॉड होगी। सो 63 mm लॉन्गर होगी उससे एंड 80 mm टॉलर होगी हैरियर से। रोड प्रेजेंस भी इंक्रीज हो जाएगी। सो डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो सो महो सिमिलर ही है हैरियर के, एंड सफारी में जो चेंज हुआ है, नोटिसेबल चेंज जो है वो है स्टेप्ड रूफ टॉप को मिलती है, जो कि थर्ड रो से जो आपकी रूफ है वो ऊँची हो जाती है, एंड रूफ रेल भी आपको मिलते हैं जो कि डिज़ाइन एक डिफरेंट प्रोवाइड करते हैं गाड़ी में बैक से। एंड पैनोरामिक सनरूफ आपको हैरियर की जितनी ही मिलती है इसमें, व्हील डिज़ाइन हैरियर के जितना ही मिलता है, एंड हैरियर से सिमिलर 18 इंच के प्रोबेबली इसमें व्हील्स अलॉय व्हील्स आपको ऑफर हो सकते हैं। हैरियर में आपको 16 इंच के स्टील व्हील एंड 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको ऑफर होते हैं, इसमें आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स ऑफर हो सकते हैं। सो फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो ट्राई एरो आपको फ्रंट ग्रिल मिलती है, जो कि आपको हैरियर से डिफरेंट मिलती है, एंड बैक में आपको यूनिक डिज़ाइन के टेल लैंप्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। नेक्स्ट आपको बैक से जो अपराइट डी पिलर मिलता है वो भी आपकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस बैक से आपकी इंक्रीज कर देता है। सो सीटिंग के बारे में बात करूँ तो इन कैबिन जो लेआउट है वो काफ़ी डिफरेंट है। आपका डैशबोर्ड ऑलमोस्ट आपका हैरियर के सिमिलर ही है, थोड़े बहुत आपको माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे इसमें, एंड आपको कलर चेंजेस भी मिलेंगे इसमें। आपको व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा विद ब्लैक के साथ। आपको हैरियर में ऑल ब्लैक आपको ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको व्हाइट एंड ब्लैक के साथ ऑप्शन मिल जाएगा। सो टाटा सफारी में आपको सेकंड रो विद कैप्टन सीट्स भी ऑफर होती है, एंड सेकंड रो विद बेड सीट के ऑप्शन विद स्टेडियम सीटिंग। स्टेडियम सीटिंग बेसिकली सेकंड रो एंड थर्ड रो जो होगी आपकी फर्स्ट रो से ऊंची होगी, बिकॉज एक अच्छा आउटसाइड व्यू मिलता है आपको सेकंड रो एंड थर्ड रो से। सो फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है हैरियर से, आपको ऑलमोस्ट रिलेटेबल ही मिलेंगे आपको फीचर्स। आपको HID प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जैसे आपको हैरियर में मिलते थे विद DRLs, एंड स्पीड टेरेन मोड्स मिल जाएंगे। 8.8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाएगा, JBL म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, पावर ड्राइवर सीट मिलेगी, पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी जो कि आपको हैरियर में भी मिलती थी, एंड जो एक्सटेंडेबल फीचर्स हैं इसमें जो आपको मिल सकते हैं वो है पावर टेलगेट, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक एंड पावर पैसेंजर सीट आपको मिल सकती है इसमें। सो अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको सेम जो टाटा हैरियर में ऑफर होता है वही इंजन ऑफर होगा, 2 लीटर का डीजल इंजन जो कि 6-speed मैनुअल में भी आपको ऑफर होगा एंड 6-speed ऑटोमेटिक में भी आपको ऑफर होगा। सो अभी तक इसकी जो न्यूज़ आई है, जो लॉन्च के टाइम पे गाड़ी आएगी वो फ्रंट व्हील ड्राइव भी आएगी। सो ऑफकोर्स टाटा सफारी जो है वो टाटा हैरियर से बड़ी होगी एंड उसकी रोड प्रेजेंस उससे ज़्यादा होगी। सो एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इसका एक्सशोरूम प्राइस वो अराउंड आपको 15 लाख रुपीज़ से स्टार्ट मिलेगा, एंड जो टॉप एंड वेरिएंट है उसका आपको 22 लाख रुपीज़ मिलेगा। सो जो नई टाटा सफारी लॉन्च होने वाली है 26 जन को, आप उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसी आपको लगी एंड क्या क्या फीचर्स उसमें आपको अच्छे लगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।